Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the poetry, jisko karna bahut important as per the literature students. So this is a part of song. So experience from none other than the Blake. आपने अगर Blake की poetry को पढ़ते हुए, we need to go through the certain phase. उस phase को characteristics को clear करना जरूरी है. And why to important the song so experience. He will get to know the basic concepts. मतलब society में क्या हो रहा है, क्या changes आ रहे हैं, and how can we deal with this particular poetry. And the name of the poetry is The Garden of Love. बहुत लोग poetry interpretation दे चुके हैं already. कई लोग यहाँ पे अपने आप petition लेके आते हैं, बोलते हैं यार poetry है. Poetry it does not mean that I am going to translate everything in Hindi. वो poetry समझिए. Sorry to say you, हमें इसको पूरा clear करना है from the beginning to the last. उसके लिए concepts clear होने चाहिए. आपने का concept को कैसे clear करेंगे? वो यहाँ से शुरू करते हैं. The first thing, The Garden of Love, as we know, it's come in सर ब्लेक पोएट्री जिसका पार्ट हम बोलते रोमांटिज्म में आ गया. फोर हमने कहा सर इसे सॉन्ग्स और एक्सपीरियंस में माना गया. देन वी कम टू नो दैट दिस इज एन एलिग्री पॉइंट. व्हाट डज मीन बाय एन एलिग्री पॉइंट? एक पॉइंट जो अपने साथ कई लिटरल मीनिंग लेके आती. मींस देयर द पोएट वांट टू से समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट. तो पहले क्या करते हैं, जब ये पोएट्री लिखी गई तब हमारे पास ये बताया गया कि सर चर्च का बहुत ज्यादा डोमिनेंट था सोसाइटी में. Church have a dominant power, sir. The fathers and the really other people have do a vital role, play a vital role in the society. So norms बदल सकते थे, अपने हिसाब से हर चीज को change कर सकते थे. तो क्या वो उनकी memories को change करेंगे? Shared up करते रहे. Let's start up and then discuss the basic point that we need to. First up, I went to the garden of the love and saw what I never had seen. A chapel was built in the midst. A chapel. So what is in chapel? पहले ये लगा मैं चर्च की शॉर्ट फॉर्म या बोलो जहां पे फादर्स या जो प्रीस्ट होते हैं ये अपना एक जगह सर वो तो चैपल जहां पे हम कई सारे फॉर्मेलिटीज रिचुअल वर्क्स पूरे करते हैं. वो उसकी जगह अगर हम गुरु गार्डन में क्या करें? और द चैपल वाज रियली व्हाई द चैपल वाज बीइंग सिचुएटेड इन द गार्डन. गार्डन इज अ प्लेस फॉर द पीपल टू गो एंड एंजॉय द नेचर. जब जाके नेचर को एंजॉय करना चाहिए. लेकिन यहां पर चैपल समथिंग डिफरेंट मतलब इरिटेटिंग था कहीं ना कहीं पोइट के लिए. वो उसको हाईलाइट कर रहा है. एंड देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट. आई वेंट टू द गार्डन ऑफ द लव एंड सॉ व्हाट आई नेवर हैड सीन. अ चैपल वाज बिल्ट इन द मिडस्ट वेयर आई यूज्ड टू प्ले ऑन द ग्रीन. वेयर आई यूज्ड टू प्ले ऑन द ग्रीन. इट वाज अ मेमोरीज. अभी मेमोरीज में है क्या किन चीजों को हाईलाइट करता है? एक्चुअली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इट्स एन अटैक ऑन द मोरालिटी विच पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेक्सुअल लव. सो फ्रॉम वेयर दिस पॉइंट कमिंग योर माइंड मतलब लोगों के दिमाग में आता क्या, ये कहां से आ गया? ये एक मोरालिटी इश्यूज को लेकर. द गार्डन इज अ प्लेस फॉर द नेचर लव और फॉर द लवर्स. एंड बट हियर यू कैन नॉट डिफाइन द एक्ट. क्योंकि अगर हम पोएट्री को पूरे टेक्स्ट को पढ़ते हो तो यहां पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था जो पोएट का इंटरनल मीनिंग था. While writing this poetry, he was against a certain system of the church जहाँ पे marriages को force करके imply कर दिया था दूसरे way में, जहाँ पे marriage के लिए witness ये था. तो कहीं ना कहीं एक force थी on morality terms, on the human nature or tendency. Then come next point, where I used to play on the green. The first half, he was completely surprised to see a chapel in the midst of the garden. पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया सर. हमने कहा द गार्डन ऑफ द लव इज रियली इंपॉर्टेंट, हमें समझना उसको. एंड देन कम नेक्स्ट पॉइंट एंड द गेट्स ऑफ दिस चैपल. आई रिपीट द वर्ड एंड द गेट्स ऑफ दिस चैपल वर शट एंड दाउ शॉट नॉट रिट ओवर द डोर. सो आई टर्न टू द गार्डन ऑफ लव दैट सो मेनी स्वीट फ्लावर्स ग्रो. दाउ शॉट नॉट रिट ओवर द डोर. तो क्या था डू नॉट डिस्टर्ब. गुरु आपको हिंदी बोल लो सिंपल से कौन सा मैं somebody is right that do not disturb on the gate. It means they do have the certain norms. They have the authority. Yes, they were having the authority. तो लिखते थे. अगर आप बोलते हो सर ये जो words हैं they've been taken by the ancient English. हाँ definitely लिए गए वहाँ से. तो kings and the other people do have powers to write on this. तो यहाँ पे gate पे लिख दिया गया. क्या लिख दिया? Thou shalt not write over the door. So I turned to the garden of love. अब सर गार्डन ऑफ लव था. अगर आप पोएट्री का नाम देखते हैं इसका नेम द पॉम इज गार्डन ऑफ लव. सर लव ही नहीं है खाली.
मतलब हम गए तो वहां पे गॉड ऑन लव के लिए, बट वी आर नॉट एबल टू सी द लव ओवर देयर. बाकी सब कुछ जैसे लव ही कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो उसको ढूंढ रहा पोएट, कहीं ना कहीं देख रहा है कहां गया. आई वाज हियर एक्सपेक्टिंग टू गेट द लव. लव इज नॉट फॉर द beloved side of you, but it's all the nature love. What you really want to find in that garden. But the next or the last paragraph was really too good. That so many seed follows bow, and the last here we are. And I saw it was filled with grief. And I saw it was filled with graves and dark stones where the flowers should be. यार मैं गार्डन में आया था, कब्रिस्तान में नहीं आया था. सॉरी टू सी, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बहुत. पॉइंट यहाँ एक छोटी चीज को क्लियर कर रहा था. कह रहा आई सपोज टू कम इन अ गार्डन नॉट अ ग्रेवयार्ड, बट आई एम जस्ट सीइंग द ग्रेव्स एंड द टॉम स्टोन्स एवरीवेयर. वेयर इज द लव, वेयर इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर. आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट आउट. एंड देन एंड प्रीस्ट इन अ ब्लैक गाउन्स वर वॉकिंग देयर राउंड्स एंड बाइंडिंग विद द पेयर्स बाय जॉस एंड डिजायर्स. So here the black gowns do have a certain importance. Black gowns, the thoughty, these are the devils. This is a black, you should not really wear black. But if you're really wearing the black, it really symbolizes the devil, because you are having the thoughty to do whatever you want to. So yaha usne symbolize kar diya usko. Because they're having the power and they're misusing that power. Us power ko jaise wo cha rahe hain waise use kar rahe hain. तो यहां पे पोएट वॉज हर्ट वेरी मच. उसको क्लियर कर उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है. तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री द गार्ड ऑफ लव इज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग्स एक्सपीरियंस. आई होप आप लोग क्लियर हुई होगी. क्लियर हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, क्योंकि बाकी वीडियोज भी यही आने वाली है, वो भी बड़ी जल्दी. टिल देन कीप वॉचिंग आयस.